हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अपनी तड़का दाल और वो भी विदाउट अनियन गार्लिक। तो चलिए शुरू करते हैं। विदाउट अनियन गार्लिक तड़का दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप उड़द धुली दाल और 1/4 कप चने की दाल। इन दोनों दाल को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद लगभग 1 गिलास पानी में इनको 10 मिनट के लिए हमने भिगो कर रखा था। आप देख सकते हैं दाल हमारी थोड़ी थोड़ी सी फूल गई है और 10 मिनट के बाद हमने इनका पानी निकाल लिया है। अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। कुकर में हम ये दोनों दाल डाल देंगे। गैस अभी हमने बंद की हुई है। दाल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी आपको उसी मेजरिंग बाउल से डालनी है जिससे आपने दाल को मेजर किया था। हमने इसमें 3 बाउल पानी डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और गैस भी हमने ऑन कर दी है। नमक डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको ढकेंगे, इसको कवर करेंगे इस तरीके के एक लिड से। हमने अभी कुकर का ढक्कन नहीं लगाना है क्योंकि जो इसका पहला फ्रॉथ आएगा, जो पहला झाग है, हमने उसको उतारना है, उसको बिल्कुल रिमूव करना है, और गैस की फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे। और आप देख सकते हैं जो इसमें ये इस तरीके का जो फ्रॉथ है ना, ये हमने रिमूव करना है। ये दाल की गंदगी होती है, इसको आपने रिमूव करना है। इसमें से जो पहला झाग आया वो उतार दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के लगभग हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग हम तड़के में भी डालेंगे और हींग हम उबलते वक्त भी डालेंगे। हींग डालने से खुशबू अच्छी आती है और साथ ही ये डाइजेस्ट करने में इसको हेल्प करता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दाल में ना पानी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब हम इसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद फुल फ्लेम पर हम इसमें केवल 2 विसल्स लगाएंगे। तड़का बनाने के लिए हमने पैन के अंदर 3 सर्विंग स्पून क्लैरिफाइड बटर डालकर हल्का गरम कर लिया है, और हम डालेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून हींग। हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, डाइजेस्ट करने में भी इसको हेल्प करता है। 1 टीस्पून जीरा, और हल्का हल्का हम जीरे को ब्राउन कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। जीरा हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम डालेंगे इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च को हम हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे, और तड़के का जो टेस्ट आता है ना, वो देसी घी के अंदर बहुत अच्छा आता है। 3 से 4 लौंग हैं, ये भी हम डाल देंगे, और इसको भी हम अदरक और हरी मिर्च के साथ भून लेंगे। अदरक और हरी मिर्च हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब हम डालेंगे इसके अंदर 3 मीडियम साइज टमाटर, टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने अभी भी मीडियम ही रखा है, और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे। लगभग 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक हमने दाल को बॉईल करते वक्त भी डाला था, इसलिए नमक ध्यान से ही डालिएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसको कलर बहुत अच्छा मिलता है। अब सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तड़के को हम थोड़ी सी देर के लिए लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। लेकिन अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह देगी मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद हमने थोड़ा सा भून लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के लगभग आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर भी ऑप्शनल है, लेकिन जो दाल है ना, वो थोड़ी सी जब खट्टी होती है ना, तो वो दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, अब हम इसके अंदर बॉइल दाल डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो कितनी खिली हुई बनी है, बिल्कुल भी दाल घुटी नहीं है। दाल को मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे। दाल को हमने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसके अंदर लगभग 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। दाल में पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसको ढककर पकाएंगे।
लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, लिड को हटाकर देख लेंगे। ये देखिए हमारी जो दाल है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल खिली खिली बनी है। ये देखिए गैस को हम बंद कर देंगे और डाल देंगे इसके अंदर हमारा मेन इंग्रेडिएंट हरा धनिया। हरा धनिया के बिना तो ये दाल इनकम्प्लीट है। मिक्स कर देंगे और बस आप इस दाल को एंजॉय कीजिए फुलके के साथ, पराठे के साथ। और आपको ये विदाउट अनियन गार्लिक तड़का दाल कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।